हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानद व्लॉग। तो गाइस, अभी हम आ चुका है आटा रिम्पोछे का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुका है और सबसे पहले यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है। तो हमारा टोकन नंबर है 20। तो यहाँ पे हम अभी वेट करके बैठा हुआ है। तो गाइस, अभी मैं बाहर निकल के आ गया, वो लोग अंदर में वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा नंबर भी 20 नंबर बहुत लोगों के 19 लोगों के बाद में है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। वैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ये शू देख के पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे कितने लोग दर्शन करने के लिए आता है। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि आज मुझे पता चला। तो सबसे पहले यहाँ पे आके अंदर सीधे काउंटर में जाके टोकन नंबर लेना पड़ता है, तो हमने अभी ले लिया। जैसे यहाँ पे वेट करके बैठी हुई है हम भी, तो बहुत सारे लोग आ चुका है, बहुत सारे लोग हैं अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। तो गाइस, हमारा टाइम भी अभी जल्दी आ जाएगा क्योंकि अभी 15:16 जा चुका है। तो हमारा टोकन नंबर है 20, बस 20 पहुंचने वाला है ये थोड़ा। तो गाइस, अभी अंदर में 19 नंबर जा चुका है, तो उसके बाद हमारा नंबर है। तो बेबी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोने लग गया, इससे पहले वो सो रहे थे। तो हमारा नंबर भी आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी दर्शन करके हम वहाँ पे साबू में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो गाइस, अभी हम साबू में पहुँच चुका है दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो हम भी अभी अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत थक गया, मौसम भी बहुत ठंडी है आज ना, बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रहे थे। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो गाइस, हम आते आते यहाँ पे थोक भी दे रहे थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा थोक भी ले लिया। थोक मीन्स प्रसाद होता है, तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया थोक। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हुए हैं, देखो। तो हमारे साथ तो बेबी था, तो वो लोग ने पहले जाने दिया क्योंकि लाइन में मत बैठो, फिर पहले चले जाओ बोल के, फिर हमें पहले जाने दिया। तो गाइस, हमने अंदर में दर्शन करके अभी बाहर निकल के आ गया। तो बाहर से हम 3 राउंड लगाएंगे, तो 3 राउंड लगाने के बाद हम वापस चले जाएंगे क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है, बहुत हवा ठंडा चल रहा है, तो बच्चे लोग तो दूर दूर के जा रहे हैं हमसे। तो अभी सिस्टर लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम तो पहले अटल रिम्पोछे का दर्शन करके फिर यहाँ पे आ गया, तो सिस्टर लोग सीधे यहाँ पे आने के लिए बोल रहे थे, तो हमें वेट करने के लिए बोला, बट हमें वेट कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड लग रहा था, तो बेबी को ठंड हो गया सोच के फिर हमने यहाँ से निकल गया।